अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, उम्मीद है आप सब जबरदस्त होंगे। मैं हूं शान और आप सब देख रहे हैं एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, एक अच्छी खबर रेट की और शुगर मिलें चलने की आपने सुन ही है। दोस्तों, एक और मजीद अच्छी खबर ये आ गई है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो शुगर मिलें 25 तारीख को ना चली तो 10 लाख रुपया एक दिन का जुर्माना होगा। दोस्तों, उन शुगर मिल वालों का क्या बनेगा जिन्होंने 28 से 30 तारीख दी हुई है कि वो क्रशिंग सीजन का आगाज करने वाली हैं, जबकि कई शुगर मिलें जो हैं वो 24-25 को क्रशिंग सीजन का आगाज कर देंगी, तो उनकी अपडेट भी आ गई है। बाकी मैंने कंफर्म करना है और सुबह इंशाल्लाह उनके बारे में भी आप सबके साथ डिस्कस कर दूंगा और आप सब दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। बहरहाल दोस्तों, हुकूमत की तरफ से जो एक अच्छा स्टेप सामने आया है कि जो भी शुगर मिल वाला नखरेबाजी करेगा, अब जबकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, तो उसे एक दिन का जो है वो 10 लाख जुर्माना अदा करना होगा, क्योंकि काफी हद तक जो है क्रिकेटिंग सीजन लेट हो चुका है। दूसरा, किसान भी काफी हद तक परेशान है, गंदम भी काश्त करनी है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो है शुगर मिलें चलाई जाएं और उनके साथ यानी किसानों के साथ तावन किया जाए। और दूसरी तंबिया ये भी कर दिया गया है कि अगर किसानों को 15 दिन के अंदर अंदर अदायगी ना की तो फिर भी इनके खिलाफ यानी शुगर मिल वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये थोड़ा सा लंबा जा पड़ा है। मुझे लगता है कि 8 दिन के अंदर अंदर किसानों को पेमेंट कर देनी चाहिए थी। ये मजीद नई अपडेटें आई थी, सोचा आप सबको आगाही दे दूं। तो दोस्तों, माशाल्लाह कुछ कुछ अच्छा फैसला आया है, कुछ सांस में सांस आई होगी, क्योंकि जो चौधरी शुगर मिल ने किया है ना इस साल, उसे तो लग रहा था कि किसान काफी हद तक टूट जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, फिर भी कोशिश करना, कंफर्म करना, ऐसे नहीं भाग दौड़ के कटाई कर दी जाए और बाद में 2-3 दिन मजीद जो है क्रिशिंग सीजन का तखीर हो जाए तो मजीद परेशानी का सामना करना पड़े। तो मेरा मकसद था आप सबको बेहतरीन अपडेट देना। तो उम्मीद है वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।